शिवपुरी में पुलिस अधीक्षक से महिला ने गुहार लगाई है कि उसका पति नशे का आदि है और नशे में दबंगों ने उसके पति से जमीन अपने नाम करा ली है और किसी अन्य व्यक्ति के नाम पर रजिस्ट्री करा ली है। इसकी सूचना जैसे ही परिवारजनों को लगी तो उन्होंने बातचीत की। दबंगों ने कहा कि वो वापस उनकी जमीन कर देगा, लेकिन अब वो वापस नहीं कर रहा है और जान से मारने की धमकी दे रहा है। मेरा मीना कुशवा पोरी भाई पास कैसे मुझसे लेके आया ये जी। मेरे पति ने जमीन बेच दी थी प्लॉट, अब वो मौके पे परेंटर नहीं है और फिर बाद में वो कहने लगा तब मेरे देवर की जमीन आने वाला है तो वो उनको रहा तो खाली करो और मुझसे कह रहा है मैं फ्री को तो मरवा के छोड़ूंगा। कन्हैया रावत आपसे पति ने कितनी जमीन बेची नशे में? 2 लाख रुपए। हम 2 लाख? हाँ। कितनी जमीन? थोड़ी सी यही है, मौके पर तो यही नहीं है। मुझे तो मेरी तो पढ़ी लिखी नहीं है साहब, मैं तो बिल्कुल यानी पता गंवार हूँ मैं तो, पर मुझे जितने पता है तो उसने मेरी पूरी जमीन बेच दी, मेरे देवर की भी बेच दी उसने। तुम्हारे पति ने नदी की हालत में जमीन बेच दी। हाँ, अब क्या चाहते हो? हम निराकरण चाहते हैं। किस प्रकार का निराकरण? कि मेरी जमीन मुझको तो बेच चुके हैं ना आपके पति? मेरी जमीन बेच चुकी है तो वो थोड़ी सी है, मौके पर जमीन यही नहीं है, उसने ज्यादा गहराई लगा ली है। अच्छा, आपके देवर की भी लिखवा? हाँ, देवर की भी लिखवा ली है, मौके पर जमीन यही नहीं है उसकी, कन्हैया रावत की रजिस्ट्री में बोल रही है मौके पर है नहीं है। अब मैं निराकरण चाहती हूँ तो मेरी जमीन मेरा प्लॉट मुझे वापस किया जाए। मेरा नाम संतोष है। आ रहे थे घोड़े चौरा पौड़ी चौरा पे सर, हमारी जमीन है, पुश्तैनी जमीन है, इस पर कन्हैया रावत जबरदस्ती कब्जा करना चाहता है। क्या बच्चा हमारे बड़े भैया लक्ष्मण नशा नशा में उनसे कुछ ले लिया दे दिया, पर 7 साल बाद रजिस्ट्री बता गए हम इसके जी मेरी जमीन है और तुम खाली करो और मौके पर इतनी जमीन नहीं है, उन्हें उनका हिस्सा दिया है, मेरा मैंने नहीं दिया, मेरा कोई लेन देन नहीं है उनसे, जबरदस्ती फिर भी कहते हैं ये जमीन मेरी है तुम खाली करो। और क्या हुआ था कल? विवाद हुआ था? हाँ, इसी चक्कर में विवाद हुआ था, मैं अपनी जमीन पर प्लॉट खोल दिया था तो कल भी आ गए थे कि बंद करो, फिर पुलिस वाले और भेज दे मैंने फिर इसको बंद करो, हमारी कोई सुनवाई नहीं हो रही। पहले 4 दिन पहले थाने में दे के आए थे और अब SP साहब इसके आए हैं। आपके भाई बताया जा रहा है आपके भाई ने 6-7 वर्ष पूर्व उसमें जमीन बेच दी थी, वो क्या मामला? वो दो बता रहे थे मैं 2 लाख रुपए लिए थे मैंने, बेची नहीं थे उन्हें आपके भाई ने। हाँ, और आप भी कह रहे हैं ये कन्हैया रावत कहता है कि ये जमीन रजिस्ट्री मेरी है और उनके साथ मेरी भी कह रहे हैं कि अंदर तक मेरी है। तो 2 लाख रुपए आपके भाई ने लिए थे, वो किस लिए लिए थे? वो किसी और के लाने देने दिए थे, कुछ लगा पड़ी थी जब जब अब मालूम पड़ा ना जब वो आया है हमें, तो पहले कोई मालूम नहीं था हमें कि वो कितने लिए कितने नहीं दिए उसने। तब भैया अभी भी वो नशा मुक्ति केंद्र में डला ग्वालियर बाईपास पर छत्तीस रोड पे। कब से डला है? जी अभी 10 महीने हुए और पहले भी 4-5 साल पहले भी ग्वालियर में थे। एक वर्ष पूर्व आपकी भाभी परिवार की महिला टंकी पे भी चढ़ी थी मामले में, उसके बाद क्या कार्रवाई? उसके साथ कार्रवाई जी हुई, कन्हैया और भाभी ने कन्हैया ने बोले थे मेरा नाम मत लो मैं तुम्हारी जमीन वापस कर दूंगा, तो अब वापस की जगह वो हमें खाली करवाने की धमकी देता है। हम चाहते हैं जो हमारी जमीन है पुश्तैनी जमीन है हमको दी जाए, उसका कोई निराकरण करी जाए, किस तरह भी किए जाए और जो उन्हें लिए पैसे लिए उसका भी सही कार्रवाई की जाए उनपे।